और बहुत ये क्या है? ये है टेलीविज़। टीवी वही जिस पे बिग बॉस आता है, इसको कर देते हैं बंद। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आजकल टेलीविजन पर एक शो आ रहा है जिसका नाम है बिग बॉस, और काफी विवादों में घिरा हुआ है। कहा जाता है कि बिग बॉस में जिसका जितना बदनामी होता है उसका उतना ही नाम होता है, जो जितना बदनाम उसका उतना ही नाम। लेकिन आपको पता है क्यों? क्यों बिग बॉस इस बार इतना चर्चा में है? जी हाँ, क्योंकि बिग बॉस को नोटिस आ गई है। और नोटिस क्यों आई है आप भी सोच रहे होंगे। नोटिस इस वजह से आई है क्योंकि आपको बता दें, विकास ने अर्चना गौतम के जाति पर सवाल किया है, उनको नीच जाति का बताया है एक वीडियो में। आप साफ, अगर आप भी बिग बॉस देखते हैं तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से जो है विकास ने अर्चना गौतम को नीच जाति का लोग कहा। आप सोचिए जरा, इस तरह के शो को देखकर हमारे जो युवा पीढ़ी है वो क्या सीखेगी? वो किस तरह से, क्या इस तरह के बदलाव हम चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि इस तरह की सोच से हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े? माना जाता था कि सिर्फ राजनीति में ही जो है वो जातिवाद है, लेकिन जातिवाद जो है वो हर जगह अब तो बिग बॉस में भी आ गई। कहाँ से आई ये जातिवाद बिग बॉस में? आखिर बिग बॉस में जातिवाद आई या फिर ये भी एक कॉन्टेंट का हिस्सा है? सवाल हर किसी के मन में है। हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही नोटिस आई वैसे ही विकास को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन क्या कंटेंट और टीआरपी के लिए कुछ भी किया जाएगा और बोला जाएगा? एक अगर आपने वो शो देखी होगी तो आपको बता दें कि वो पूरी तरह से एक लड़ाई, मारपीट, झगड़े वाला शो है, जो कि ये दिखाता है कि एक घर में लोग रहते हैं और उनका काम ही यही है एक दूसरे से पंगे लेना, और कई बार जो है कंटेस्टेंट जो है हद पार कर देते हैं। ये जो बिग बॉस के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, अक्सर कहा जाता है कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए थे, आपने टर्म्स एंड कंडीशन साइन करके अपनी मर्जी से घर में आए हैं। तो क्या जो ऑडियंस है उसको यही सब दिखाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए जाते हैं? क्या टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं होना चाहिए कि बिग बॉस के घर में जो है कोई भी किसी भी जाति को लेकर सवाल नहीं करेगा? लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि शो को तो टीआरपी चाहिए। शो को सिर्फ और सिर्फ मतलब है किसी चीज से तो टीआरपी से, चाहे वो लड़ाई झगड़े दिखाकर मिले, चाहे वो जाति पे कमेंट करके मिले, चाहे उससे किसी की भावनाएं आहत हो, उनका कोई लेना देना नहीं। कहा हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां टीआरपी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अब टेलीविजन ना बिल्कुल कचरे का डब्बा लगने लगा है, इतना बड़ा कचरे का डब्बा, इतना बड़ा आपको बता दें कि जिससे में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े दिखाई जा रहे हैं। और अगर आप बिग बॉस देखते हैं, अगर आप बिग बॉस देखते हैं तो और आपके घर में लोग देख रहे हैं तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि बिग बॉस जो है किस तरह से इमैच्योर लोगों के माइंड पे कब्जा करता है और किस तरह से उनका माइंड वॉश करता है और क्या सिखाता है युवा पीढ़ी को, ये तो आप देखकर समझ गए होंगे। लेकिन इस तरह से किसी के भी जाति पर कमेंट करना कहाँ तक ठीक है? हालांकि बिग बॉस को नोटिस भी आ गया है, लेकिन क्या इस तरह के कंटेंट हमारे समाज को एक सभ्य समाज बनाएगा? एक वक्त था जब रामायण और महाभारत आती थी टेलीविजन पे, तब एक दो चैनल हुआ करते थे और इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का टेलीविजन हुआ करता था। लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसा हो गया है कि दिल करता है कि इस टेलीविजन को जो है पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि अब जो है इस टेलीविजन में पूरा का पूरा कचरा दिखाया जाता है। और
पॉपुलैरिटी के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाया जाता है। हमारी युवा पीढ़ी के माइंड में जो है कचरा भरा जाता है बिग बॉस रूपी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह खबर कैसी लगी, साथ ही इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। राम राम।